आधुनिक चिकित्सा पद्धति को दिखाने हम आ रहे हैं भारत के आयुर्वेद विशेषज्ञों के साथ। हम जानेंगे आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से इलाज व फायदे, आयुर्वेदिक विशेषज्ञों द्वारा। आयुर्वेद चिकित्सा प्रकृति का अनमोल तोहफा है। हजारों वर्षों से चली आ रही आयुर्वेदिक चिकित्सा मनुष्य के लिए एक वरदान है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। लोगों को बीमारी 4-5 पद्धति से ठीक किया जाता है, इलाज होता है, लेकिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पद्धति में जाकर के ठीक कराते हैं, जैसे एलोपैथ हो गया, होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया। लेकिन दो ऐसे और हैं पद्धति, यूनानी और इलेक्ट्रोपैथिक। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपैथिक का, और इलेक्ट्रोपैथिक के जानकार चिकित्सक साथी डीके मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ये डायरेक्टर भी हैं, श्री विजय शंकर झा जी। आइए उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका एचबीएन न्यूज़ चैनल पे। जी, आपका। तो सर, ये इलेक्ट्रोपैथिक जो इलाज होता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो होम्योपैथ है। अच्छा। और ये 1869 ईस्वी में अच्छा बुल्गारिया इटली से ये पैथ आया। अच्छा। और डॉक्टर काउंट सीजर मैटी अच्छा इसके आविष्कारक हैं। और ये रस और रक्त, हमारे शरीर में दो एक एलिमेंट्स हैं, लिम्फ और ब्लड। इसके दूषित होने पर कोई भी मनुष्य किसी भी बीमारी का शिकार हो जाता है। अच्छा। किसी भी बीमारी के वो ग्रिफ्ट में आता है। तो हमारे ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि होम्यो जो शब्द आप देख रहे हैं, होम्योपैथ ये नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल होम्योपैथ से डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रो होम्यो है। इलेक्ट्रो होम्यो। तो सभी पौधे, मनुष्य के अलावा जितने भी इस पृथ्वी पर आप पौधों को देख पा रहे हैं, सबों में एक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है, एक विद्युतीय तरंग पैदा होता है, जिससे उसका जो जीवन है वो लाइव होता है। तो चूंकि ये हमारा ये जो पैथ है, ये 114 प्लांट्स है, और उससे उसके अर्क से 38 मेडिसिन्स का मैटी साहब ने हम लोगों को दिया था कि 38 मेडिसिन से आप सारे बीमारियों को ये कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो हमारा ये पैथ सिर्फ जो है ना, आपका ये डायग्नोस करना होता, हमारे चिकित्सक डायग्नोस करते हैं कि ये जो बीमारी है। अच्छा। ये बीमारी किस कारण से है, किस कारण ये इसमें ब्लड्स में प्रॉब्लम आया या लिम्फ में आया। इसका रक्त तो नहीं दूषित है, तो रक्त को शुद्ध करने के लिए हमारा ये दवा चलता है उसके ऊपर। तो शरीर को दो भागों में बांट करके इसका अध्ययन हम लोग करवाते हैं अपने चिकित्सक गण को, हमारे स्टूडेंट्स को, कि आप इन दोनों चीज़ को डीपली जब ले लेते हैं, समझ पाते हैं, तो फिर इसमें जो सिलेक्टेड मेडिसिन है, 38 रेमेडीज कहा जाता है इसको। अच्छा। तो उस 38 मेडिसिन से ही हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की जितनी भी बीमारियां हैं, आप जितनी भी बीमारियों को आप उंगली पे गिन सको, वो सारे बीमारियों का जो बेस है, जो उसके होने का रीजन है, वो लिम्फ और ब्लड में त्रुटि आने से होता है, डिफॉल्ट होने से होता है। अच्छा। ये हमारी ये 38 मेडिसिन क्या करती है कि उन बीमारियों के ऊपर जा करके और उसके रस और रक्त को शुद्ध कर देती है, तो प्राणी का बीमारी जो है ना ऑटोमेटिक सही हो जाता है। सही हो जाता है। इसी सिद्धांत पे हमारा ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ काम करता है। और एक भारत के अंदर इसका जो आविष्कार जो लाए थे यहाँ डॉक्टर एनएल सिन्हा साहब, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। और वो भारत के अंदर इस पैथी को वहाँ जाके विदेश जा करके अध्ययन करके और लाए, और आज तमाम तरह की बीमारियाँ, खास करके कैंसर, जो अभी भारत सरकार के अधीन जितनी भी तंत्र हैं, एलोपैथ हो, मैं आप जो कैंसर कह रहे हैं जी, तो मैं जाऊंगा जी, उस एस्पेक्ट पे जाऊंगा जी। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानकारी आपसे देना चाहूंगा कि भारत में
ये जो आपको इलेक्ट्रोपैथिक है इसका मान्यता कहाँ से मिला? देखिए, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। हमें जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, जब हम लोग इसमें केस में गए थे मान्यता के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय तक हमारी रीट पहुंची थी, जस्टिस पहुंचे थे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि इस पैथ में, चूँकि ये पेड़ पौधों से बना हुआ दवा है, इसलिए मानव पर इसका कोई असर नहीं, माने हानि नहीं होता और साइड इफेक्ट नहीं है, 100% हर्बल है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय बहुत पूर्व में दे दिया था कि इसके अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, प्रशिक्षण और इसके प्रैक्टिस पर किसी भी चिकित्सक को कोई रोक नहीं है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने बोर्ड बनाया इसको और वहाँ इसकी मान्यता हो चुकी है। अच्छा। हमारा जो फाइनल स्टेज में उत्तराखंड में चल रहा है। अच्छा। अन्य प्रदेशों में भी ग्रेजुअली जो है। अच्छा। ये कार्य बहुत तरक्की पर है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई एक्ट पास करेगी और हम लोगों को भी जो है ना सारे राज्यों में इसके लिए एक नया जो है सो सर्कुलर्स पास होगा। अच्छा अच्छा, तो ये जो पद्धति से आप लोग इलाज करते हैं मरीज को, किस तरीके से करते हैं? इसमें जैसे कैंसर से लोग पीड़ित रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं कैंसर से और अपने ज़िंदगी से हार मान लेकर मर भी जाते हैं, ऐसा होता है, कैंसर नाइलाज बीमारी है, मर जाता है। तो क्या आप जिस पद्धति से इलाज करते हैं वो कैंसर उस जिस व्यक्ति को हो गया वो ठीक हो सकता है, बच सकता है कैंसर से? देखिए, कैंसर का प्रारंभिक दौर में अगर डायग्नोस हो जाए कि इनका कैंसर है और वो अगर हमारे यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उनको 100% आश्वस्त करता हूँ कि ये बीमारी बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। अच्छा। और इस क्रम में हमारा दिल्ली के अंदर हौज खास में एक कैंसर अनुसंधान केंद्र है, जहाँ पर हजारों लोगों के ऊपर रिजल्ट आया है और लोग ठीक हुए हैं। और जैसे एलोपैथ में, टाटा मेमोरियल वगैरह में क्या होता है कि लोग कीमो का प्रयोग कर देता है। अच्छा। तो कीमो के प्रयोग करने से क्या होता है कि उसका लाइफ शॉर्ट हो जाता है और वो क्योर भी नहीं हो पाता है। तो अगर फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में चला गया तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो मूल रूप से अगर स्टार्टिंग स्टेज में आ जाए तो हम लोग उसको 100% क्योर के स्टेज में पहुँचा देते हैं। जी। अच्छा अच्छा। और कितना स्टेप, अगर जो व्यक्ति को कैंसर हो गया, कितना स्टेप तक जाते जाते में, सेकंड थर्ड स्टेप तक जाते जाते अगर वो हमारे यहाँ आवे। अच्छा। हमारे इलेक्ट्रो होम्यो के किसी भी चिकित्सक के पास जाएं। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। अच्छा। वो कैंसर पेशेंट यानी क्रॉनिक का जो भी स्टेज का है, लिवरोसिस है या कैंसर है, ऐसी बीमारियाँ जहाँ भारत की जो मॉडर्न साइंस है वो अपना हाथ उठाती है कि अब इसके आगे हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो हमारा ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ वहाँ से शुरुआत होती है और हम उसको रिजल्ट अप टू डेट दे देते हैं, अप टू मार्क देते हैं। अच्छा जी, मतलब ये बड़ी, बहुत बड़ी उपलब्धि इस उपचार से होगा कि कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर का इलाज संभव ही नहीं बल्कि कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है, मेरा ये मानना है। अच्छा। और हमने कई केसेस देखे हैं। अच्छा। जिसमें क्योर भी हुए हैं। अच्छा। हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कई केसेस हैं जो हमारे रेल स्टेशन से हैं। अच्छा। जिनको हमने बिल्कुल फोर्थ स्टेज से बैक किया है, अभी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, किसी तरह का कोई पेन नहीं रह रहा है। और हमारा जो अनुसंधान केंद्र है जो बिल्कुल निशुल्क है दिल्ली हौज खास का, वहाँ पर तो हजारों इस तरह के पेशेंट्स का हमारे पास रिकॉर्ड है। अच्छा। जो ठीक हुए हैं। अच्छा। रिकॉर्ड मतलब सुधार का नहीं, बिल्कुल ठीक होने का। हाँ, इसको आप देख सकते हैं, उसका डाटा निकाल कर। अच्छा, आपका जो अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, वहाँ जो ठीक मरीज हुए हैं वहाँ पे क्या फ्री में जो उसको ठीक किया जाता है कि पैसा लेकर उसको जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये सरकार के द्वारा जो है हम लोगों को सहयोग राशि मिलती है और हम लोग जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनसे हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते। अच्छा। वो निशुल्क होता है। निशुल्क होता है जी, कैंसर अनुसंधान केंद्र में कैंसर का इलाज निशुल्क होता है। पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनसे हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते। अच्छा। वो निशुल्क होता है। निशुल्क जी, कैंसर अनुसंधान केंद्र में कैंसर का इलाज निशुल्क होता है जी।
अच्छा ऐसा मतलब डॉक्टर साहब क्या होता है कि लोगों में ज्यादातर जो है एलोपैथ पे ही उसका ज्यादा ध्यान रहता है, जैसे 4-5 पद्धति से इलाज संभव है, होता भी है, उसमें हावी है ज्यादा एलोपैथ, लोग ज्यादातर एलोपैथ की तरफ भागते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए लोगों एलोपैथ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। भारत की प्रथम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, इसके बाद होम्योपैथ, एलोपैथ और यूनानी और सारी पद्धतियों का विवरण आता है। एलोपैथ में सीजीरियन जो भी सेल हमारा डेड हो गया या ऑर्गेन काम नहीं कर रहा है, जिसको हमको बाहर बिल्कुल वो मैंने वर्क लेस फंक्शन लेस हो गया है, तो उसको एलोपैथ में सर्जरी कराने के लिए वो बहुत 100% सक्सेस है। लेकिन एलोपैथ में जो अन्य लोगों का ज्यादा रुझान है, वो चाहते हैं कि बीमारी आई तो ये तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एलोपैथ चिकित्सक के पास जाते हैं, तो वो उन एंटीबायोटिक्स या वो जो अपने मेडिसिन को यूज करवाते हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो उससे वो बीमारी कंप्लीट नहीं होती बल्कि उनको राहत जाता है, तो उनको एहसास होता है कि चलो ये हमारा बीमारी ठीक हो गया। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी का जो सेंसेशंस है, जो ये लगता है कि दर्द है, सपोज एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके घुटने में दर्द है या पेट में दर्द है, तो ये जाता है मैसेज ब्रेन को, और ब्रेन को जब ये मैसेज जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन क्या करता है कि उसके प्रभाव को जब हम लेते हैं, पेशेंट्स को जब हम देते हैं, तो उससे ये मैसेज जाना मस्तिष्क को बंद हो जाता है कि यो दर्द भी हो रहा है। अच्छा, तो मरीज ये समझते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन वस्तुतः ये दर्द क्यों हो रहा है इस पर तो कोई मेडिसिन एलोपैथ में बना नहीं, जिस कारण से क्या होता है कि वो आराम हो गया। इसके लिए लोग ज्यादा रुझान होता है उन लोगों का, लोग क्विक चाहते हैं कि हमें ठीक हो जाए ये बीमारी, इसलिए वो एलोपैथ की तरफ ज्यादा भागते हैं। फिर बाद में जाकर के जब वहां से वो निराश हो जाते हैं, तो हम लोग तो कहते हैं कि जब आप निराश हो जाओ, सारा पैथ आप पर काम नहीं करे, तो आप मेरे पास आओ, मैं हमारी सेवा है आपके लिए और हम आपको वहां से ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है ना वो रूट काउज पे काम करता है कि मैंने ये बीमारी क्यों आखिर हुई, व्हाट इज द रूट काउज ऑफ दिस डिजीज। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि हमारी ये दवाएं जाकर के उसके रूट काउज पे काम करते हैं, कारण पे काम करता है और वो पूर्ण रूप से ठीक करता है। तो इट विल टेक सम टाइम्स, और लोगों के पास टाइम होता नहीं है, बीमारी भी है तो वो इतना टाइम नहीं है कि थोड़ा सा शरीर के लिए टाइम दे पाए, तो इस वजह से थोड़ा एलोपैथ के प्रति रुझान रहा है लोगों में और क्रमशः रहेगा भी मेरा मानना है। लेकिन जो बेस है एलोपैथ का, मैं आपको बताया कि आपने कहा कि एलोपैथ का जो है रहेगा, ऐसा नहीं हुआ कि लोगों पे ये जो आप लोगों का ये क्या है, मैं आपको समझाऊं। अच्छा। कि एलोपैथ मेडिसिन तत्काल प्रभाव से राहत देता है, और कुछ ऐसा केसेस होता है या लोगों की मेंटेलिटी है कि हमें तुरंत ठीक हो जाए, इस ख्याल से मैं कहा, और हमारा ये पैथ में उससे फास्ट हम रिजल्ट देते हैं। अच्छा, मतलब एलोपैथ आप जिस पद्धति से इलाज करते हैं जी, ये दोनों में अगर किसी को अगर दर्द हो रहा है जी, तो हम हमारी मेडिसिन दी जाए। अच्छा, हमारी मेडिसिन उस दर्द वाले व्यक्ति को दी जाए और एलोपैथ का दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि मेरी मेडिसिन एलोपैथ के रिजल्ट से पहले रिजल्ट जी, तब तो पहले पेशेंट को आपके पास आना चाहिए। लेकिन इसके दूसरा कारण जो मेरे समझ में बात आ रही है कि लोगों में अभी ये पैथ के बारे में जानकारी का भी बहुत सारा अभाव है, ये एक कारण हो सकता है। अच्छा। दूसरा ये है कि धीरे धीरे अब लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी रिजल्ट ओरिएंटेड एक पैथ है, और हमें ये विश्वास है कि कुछ ही दिनों में वो समय आने वाला है कि हमारे पैथ के तरफ भी लोगों का रुझान होगा, रिजल्ट हम दे रहे हैं और एलोपैथ से फास्ट दे रहे हैं। अच्छा। जी, मतलब ये है कि एलोपैथ से जो है फास्ट जो है, मतलब आपका जिस पद्धति से इलाज करते हैं वो केयर करता है जी। और तो डॉक्टर साहब, और एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि आप डीके मेमोरियल कॉलेज है, आप डीके मेमोरियल कॉलेज समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में खानपुर में अवस्थित है। हाँ। जहाँ मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। और वहाँ मेरा ये प्रयास रहा है। अच्छा। कि इलेक्ट्रोपैथ के जब तक चिकित्सक नहीं होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे, पढ़ने वाले नहीं होंगे, तो चिकित्सक कहाँ अच्छा बनेंगे। हाँ, तो
मेरा ये उद्देश्य है उस कॉलेज को खोलने का कि वहाँ से हम बेहतर शिक्षा दे पावे उनको और वो बेहतर चिकित्सक बनकर के लोगों के बीच जाएं और इलेक्ट्रो होम्योपैथ को या इलेक्ट्रोपैथ को लोगों तक जनमानस तक पहुँचाएं और इसका लाभ लोगों तक पहुँचाएं। मतलब ये है, मतलब साफ साफ है कि लोगों को जानकारी का अभाव है बहुत ज्यादा। मैं इसको मानता हूँ कि इतना 100 वर्ष क्रॉस कर जाने के बाद, 100 वर्षों के बीच जाने के बाद भी जिस स्तर तक लोगों में इस पैथ के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, इसमें चिकित्सक की संख्या कम होने के कारण लोगों के बीच जागरूकता का कमी। इसलिए हम कॉलेज का निर्माण किया कि कॉलेज में लोग पढ़ेंगे और बेहतर चिकित्सक होंगे तो लोगों के बीच सेवा देंगे, तो लोग इसको जानेंगे और इससे बेहतर ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ी खासियत क्या है कि हमारा यह पैथ की जो भी मेडिसिन है वो दुनिया के जितना भी मेडिसिन सबसे सस्ती है, तो सस्ता इलाज लोगों तक पहुँचे, गरीबों तक पहुँचे, जरूरतमंद तक पहुँचे, इस उद्देश्य से हम इस कॉलेज का संचालन किए। और यहाँ जहाँ अभी आप हैं, इस अनुकूल आयुर्वेदा, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ का एक विंग्स है, जहाँ पर हमारा ये प्रयास है कि यहाँ के जो भी क्षेत्रीय लोग हैं वो उनको इस माध्यम से हम प्रॉपर वे में सर्विस दे पाए। अच्छा सर, तो ये आप अपना मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं क्या? नहीं, हमारा ऑलरेडी क्या है कि कुछ ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रोपैथ में मैन्युफैक्चरिंग करके दवाएं बना रही हैं। हमारा अभी वो कंपनी नहीं है। अच्छा। लेकिन हम दवा को खुद से तैयार करके लोगों तक देते हैं। तो दवा जो आपके कॉलेज में होगा, जो आपके यहाँ स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो दवा के बारे में जानकारी देते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स में है, ये 4.5 साल का बिल्कुल कोर्स है। सारे दवा आपके जहाँ हॉस्पिटल में भी? जी बिल्कुल, कॉलेज में होंगे? जी बिल्कुल उपलब्ध है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी भारत में कितने डॉक्टर हैं? अभी जो आंकड़ा है गवर्नमेंट के पास वो 5 लाख के आसपास का है। 5 लाख के आसपास जो चिकित्सक रजिस्टर्ड। अच्छा, 5 लाख के आसपास है। अच्छा, तो अंत में आप क्या जो है, आप जो है लोगों से अपील करना चाहेंगे, ये जिस पद्धति से आप लोग इलाज करते हैं उसके बारे में? देखिए, मैं लोगों से अपील यही करना चाहूँगा कि इसको जानें, समझें और इसकी गहराई तक जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा पैथ है, मैं इसके पूर्व में भी आपको बताया था कि जहाँ से मॉडर्न साइंस अपना हाथ खड़ा करता है, मैं बहुत सारे बीमारियों का जिक्र भी किया आपके सामने। तो मैं लोगों को यही संदेशा देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन को अपने लाइलाज बीमारी के लिए आप एक बार प्रयोग करें, आपका बीमारी निश्चित रूप से उससे लाभ होगा और लोगों तक इसको पहुँचाएँ। एक एक करके लोग, जब लोगों को लाभ होगा तब लोग इसके चर्चा करेंगे, तभी जा कर के लोग इसको जान पाएंगे और इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। अच्छा, कैंसर तो हमने आपने बताया था कि कैंसर जो गंभीर बीमारी है, और कौन सी लाइन जो मतलब गंभीर से गंभीर बीमारी का आपके यहाँ? आप जितना भी बीमारी का नाम ले लो, सब बीमारी का जी, मतलब हर एक बीमारी का इलाज आपके यहाँ है जी, और सफलतापूर्वक इलाज है? सफलतापूर्वक इलाज है। और एलोपैथ चिकित्सक जिस बीमारी को ये कह दें मरीज को कि अब आपका इलाज हमारे यहाँ संभव नहीं, तो मैं उस मरीज का वेलकम करता हूँ अपने इस चिकित्सा पद्धति में। अच्छा। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको यहाँ से बिल्कुल लाभ होगा और एक बार आप आ करके दवा का प्रयोग करके देखें। और दवा का जो लागत है, मतलब कॉस्ट जो होता है, मूल्य जो होता है, वो भी कम होता है? बहुत कम होता है। आप कल्पना से, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इतना कम खर्चे पे ये हम लोग उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। और रिजल्ट जो है वो तो मरीज ही बताएगा आपको, जो इसको यूज करते हैं वो बताते हैं कि उनको कितना ज़्यादा राहत हुआ है। बीच बीच में आप कैंप भी लगाते हैं? हाँ, हमारा ये प्रचार का एक माध्यम है। अच्छा। मैं बीच बीच में कैंप का आयोजन करता हूँ। अभी 22 तारीख को यहाँ पे मैं कैंप का आयोजन किया था, जिसमें 265 मरीजों को देखा गया। अच्छा। जिसमें बाहर से अन्य चिकित्सक भी आए हुए थे। अच्छा। और उस 4-5 चिकित्सक थे जिनके माध्यम से लोगों तक दवाओं का वितरण भी मैं किया। अच्छा। और लोगों को लाभ भी हो रहा है, लोग डे बाई डे आ रहे हैं। अच्छा। दवा ले जा रहे हैं। अच्छा। इससे ये साबित होता है कि उनको इसका, इस दवा का प्रभाव दिख रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।